नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुरुवार को अमरोहा के हसनपुर नगर की गौशाला प्रकरण में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा पालिका के दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि डीएम ने एसडीएम को हटाकर महिला एसडीएम को चार्ज दिया है। साथ ही पुलिस द्वारा 5 के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गुरुवार को हसनपुर के मोहल्ला खेवान स्थित बीदी घर के नजदीक कान्हा गौशाला का मामला प्रकाश में आया था, जहां बीती रात्रि बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हंगामा करते हुए गायों की मौत व जिंदा गोवंशों को दबाए जाने के प्रकरण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। इतना ही नहीं, मामले की शिकायत डीएम समेत उच्च अधिकारियों से भी की गई थी। वहीं बीती रात्रि मौके पर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद का आरोप था कि अधिकारियों व प्रशासन की मौजूदगी में उन्होंने मृत व जिंदा गायों को दबाना शुरू कर दिया था, और जब विरोध प्रदर्शन किया गया तो उसके बाद में गौशाला के अंदर जाने दिया, जहां मौके पर भारी संख्या में मृत गायें पड़ी बिंदी थी और कुछ जीवित गौवंशों को भी दबाया जा रहा था। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी दीप कुमार पंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीएम भगत सिंह भी राजस्व विभाग के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां किसी तरह समझा बुझाकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शांत किया गया। लेकिन मामला इतना नहीं रहा, बल्कि मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से क्षेत्र भर में चर्चा का विषय बना रहा। नगर के व्यापारियों समेत गणमान्य लोगों ने भी इस मामले में दखल देनी शुरू कर दी, जिसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी आदि ने भी मौका मुआयना कर संज्ञान लेते हुए गौशाला का बारीकी के साथ निरीक्षण किया। इससे पूर्व मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी व पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने पूरे घटनाक्रम व तथ्यों की जांच पड़ताल करते हुए तत्काल मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं पालिका द्वारा प्रभारी कान्हा गौशाला करण सिंह को निलंबित कर दिया गया और प्रभारी कान्हा गौशाला दिनेश कुमार को निलंबित किया गया। उधर मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम राजेश कुमार त्यागी ने एसडीएम भगत सिंह को चार्ज से हटा दिया और उनके स्थान पर एसडीएम सुनीता कुमारी को चार्ज दिया गया है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने जिलाधिकारी से वार्ता कर मामले में संबंधित पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उधर बजरंग दल कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठकर जमकर हंगामा करते हुए संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। उन्होंने बताया कि घटनाक्रम का शिकायती पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए डीएम को सौंपा गया है और मामले में कस्बा इंचार्ज संदीप मलिक ने बताया कि बैकलॉग सफाई कर्मचारी प्रभारी गौशाला करण सिंह व प्रभारी कान्हा गौशाला दिनेश कुमार व सफाई कर्मचारी अश्वनी व राजा समेत जेसीबी चालक जाकिर सहित 5 के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और 5 लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। वहीं प्रभावी कार्यवाही के दौरान 5 अपराधियों को जमानत पर छोड़ा गया। फिलहाल मामले में जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि संबंधित प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं देर शाम लखनऊ से विशेष जांच टीम भी मौका मुआयना करने पहुंची। उधर नगर के सामाजिक संगठनों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबन के साथ साथ बर्खास्त किए जाने की मांग की। जांच में सारी चीजें ठीक पाई गई है, जो दो लोग जो गाय मरी है उनका डिस्पोजल ठीक से नहीं किया गया, वो समस्या। गायों को भी दबाने का प्रयास किया गया जिसका वीडियो आया सामने, इसीलिए तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ है। अच्छा, बजरंग वाले और उन्होंने मांग रखे थे एसडीएम और ऐसे के जो भी जिम्मेदार होंगे उसके फिलहाल शाम तक के लिए कार्रवाई होती रिपोर्ट आने की वजह से इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग गौओं को मार रहा है और जानबूझ के मार के उसे दफन कर रहा है। ये शासन के बिल्कुल विरुद्ध है, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। नगर पालिका के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, वेटरनरी डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, उप जिलाधिकारी के विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए। क्यों वो नहीं आए, क्यों शासन ने गौशाला इतनी महंगा इतना खर्च करके बनाई और क्यों इनका समय से निरीक्षण नहीं हो रहा, क्यों गौवंश को मारा जा रहा, इसके लिए सब दोषी है। 50 रुपए प्रति गौवंश शासन से आ रहा है, उसके बाद ये कहां जा रहा है, कौन खा रहा है, इसका कुछ पता नहीं। सब सबके सब राजनीतिक संरक्षण में लिप्त होकर पूरी तरह से गऊओं को खाने का काम कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा। अच्छा, अधिकारियों समेत नेतागण ने निरीक्षण किया है तो क्या आपको दिखाई दिया है? अंग्रेजी में बात करी है, हमें कुछ पता नहीं, हम अनपढ़ आदमी है, ना अंग्रेजी में अधिकारी से बात की है, अधिकारी से और उनकी क्या सेटिंग हुई है हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, मौके पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।